अगर आप लोग प्लेन में सफर करते हो तो आप जरा इमेजिन करिए कि आप कहीं जा रहे हो। जी हाँ, रात का समय है, 16,000 फीट ऊपर प्लेन है और अचानक प्लेन का खिड़की और दरवाजा दोनों टूट जाए, तो उसमें आपका क्या हाल होगा? जी हाँ, ये लिटरली हुआ है, अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में एक प्लेन उड़ रही थी और प्लेन उड़ते उड़ते और उसका कांच और दरवाजा दोनों टूट गया। जी हाँ, प्लेन का जो खिड़की का विंडो होता है वो टूट गया पहले, उसके बाद दरवाजा भी टूटने पर था। और लिटरली उसमें जितने भी यात्री थे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम बच सकते हैं। जी हाँ, आपने स्क्रीन पर ये खबर देख भी सकते हो, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये बच सकता हूँ। हाँ, क्योंकि कारण है भाई, प्लेन का दरवाजा टूट गया, प्लेन का खिड़की टूट गया, ऑक्सीजन मास्क लटक रहा है, प्लेन में अफरा तफरी मच रही है, प्लेन में जितने भी लोग थे वो चिल्ला रहे हैं, डर के मारे मतलब इधर उधर भाग रहे हैं। प्लेन के ऊपर की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ, ऐसा हुआ है और इसी के कारण प्लेन मतलब जितने भी पैसेंजर थे उन्होंने बाद में इंटरव्यू दिया कि हमें 1% भी चांस नहीं लग रहा था कि मैं बच सकता हूँ। इनफैक्ट जो 22 साल का लड़का, एक लड़का ने 22 साल का था, उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि मैं सो रहा था, पास वाला ही खिड़की का कांच टूट गया। जी हाँ, मेरे पास जो खिड़की था उसी का कांच टूट गया था और देखे एकाएक पूरा प्लेन में अफरा तफरी मच गया, हो अल्लाह, शोर शराबा हो रहा है, ऊपर से ऑक्सीजन मास्क लटक रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं है हमको। हम जाए तो जाए किधर, 16,000 फीट ऊपर प्लेन है, नहीं नीचे जा सकते, हमको तो लगा हम जब भी दोबारा जिंदा देख भी नहीं सकते, ऊपर भी मरने वाले। लिटरली फ्लाइट भाई ऊपर थी, बादल से ऊपर थी फ्लाइट। हाँ, बादल से ऊपर फ्लाइट थी। अब सोचिए उतना ऊपर 16,000 फीट में ये हाल हो जाना, प्लेन का दरवाजा टूट गया, प्लेन का खिड़की टूट गया, प्लेन में अफरा तफरी मच गया, आप सोचिए उन लोगों का क्या हाल होगा। करीब 150 से 200 प्लस ही मेंबर थे उस हवाई जहाज पे। अब सोचिए उसका क्या हाल हुआ होगा। बहुत सारे लोगों को लगता 1% भी लोग, जितने भी लोग बाहर आए ना, उन्होंने ये बोला कि हमें 1% भी चांस नहीं लग रहा था कि हम बचेंगे। जी हाँ, 1% भी बोला हमें चांस नहीं लग रहा था कि हम बचेंगे। लेकिन पायलट की सूझबूझ के कारण प्लेन को सॉफ्ट लैंडिंग करवा दिया गया और पैसेंजर की जान बच गई। जी हाँ, ये इंसिडेंट ये है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि ये फ्लाइट बोइंग की थी। जी हाँ, बोइंग जो दुनिया भर में, बोइंग और एयरबस ये दोनों ही हैं कंपनी जो दुनिया भर में कॉमर्शियल फ्लाइट का एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन बोइंग की ये फ्लाइट लगभग 2022 में ही इक्वायर हुआ था, 2022 में ही नया बन के आया था। लेकिन उसके बाद ये घटना बोइंग कंपनी पे सवाल खड़ी कर सकती है। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?